हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ वाओ मैथ्स बुक क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1, 2, 3। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स -5, 2, 1, 0। इसका हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का है तो हम इधर ले जाके इसे प्लस में कर देंगे, माइनस वाले को आगे ले जाकर प्लस में करना ही इंटीजर वो होता है, माइनस वाले को आगे ले जाकर प्लस में कर देना, उसको प्लस में शिफ्ट कर देना ही एडिटिव इनवर्स होता है। नेक्स्ट है 3, 5, 2, जो कि हमारा किसका है, प्लस का। वैसे इसके आगे कभी भी प्लस नहीं बनता है, तो इसका क्या हो गया, -3, 5, 2। नेक्स्ट आता है प्लस का है, यहाँ पर जो है 3, 0, 1, 2 नेक्स्ट आएगा, तो इसमें हम शिफ्ट करके माइनस लगाएंगे, तो ये -3, 0, 1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, -12 + 32 + -25 = सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस, तो तीनों प्लस के हो जाएंगे हमारे, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 25 + 12 कर देंगे = -37, क्योंकि ये वाला बड़ा है इसलिए इसके साथ में -37 लगाया गया है, -37 + 32, बिकॉज ये 32 अभी हमारा बचा था इसलिए यहाँ पे 32 को -37 के साथ हमने प्लस कर दिया, तो = -5 आंसर आया। और ये माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये वाला जो है 37 ये माइनस का है, इसलिए ये इसमें माइनस लगा। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट इज 10 + 20 + -15 = 10 + 20 = फर्स्ट वी ऐड 10 + 20 = 30, वी गॉट 30 एंड दैट्स देन 15, सो वी नोट डाउन इट एंड -15 इज आंसर बिकॉज 30 - 15 = -15 आंसर, बट माइनस नॉट, इट्स बिगर, सो प्लस माइनस फॉर दैट्स 15। नेक्स्ट है +45 - -32। ये माइनस हमारा क्यों लगा होता है, क्या कभी किसी ने इस चीज़ पे गौर किया होगा, माइनस इसलिए लगा होता है क्योंकि ये जो सम दिया है इसमें सिंप्लीफाई दिया हुआ है, सिंप्लीफाई, और उस सिंप्लीफाई का मतलब होता है सिंप्लीफाई मींस सॉल्व, सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्व करना। तो नेक्स्ट आता है +45 - -32, प्लस माइनस माइनस, इक्वेशन बताती हूँ एक, +-(-+)-(-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 )-(
अभी इसमें क्या होता है, जिसमें भी दो सेम साइन होते हैं, तो जिसमें भी हम दो साइन सेम होते हैं वो प्लस हो जाता है, जैसे माइनस माइनस तो प्लस, और अगर प्लस माइनस है अपोजिट साइन है, जिसमें ये अपोजिट है एक, अगर दोनों प्लस के होंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस के होंगे तो भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, और अगर एक माइनस का एक प्लस का होगा तो माइनस होगा, अगर एक प्लस का एक माइनस का होगा तो भी माइनस होगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई मतलब होता है सॉल्व करना। नेक्स्ट आया -65 -18, ये माइनस का मतलब है कि इसे माइनस में सॉल्व करना है आपने, माइनस का मतलब ये है कि माइनस में सॉल्व करना है, -65 + 18 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहाँ इसलिए प्लस किया गया, ये देख सकते हो आप लोग, माइनस माइनस प्लस। इसके बाद इन दोनों को माइनस करके 47 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। फर्स्ट इज 1500 - 1200 + 1030 - -1080।
सो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी ये दोनों, सेकंड ये दोनों, ठीक है। पहले इन दोनों को माइनस कर देंगे, फिर उसमें ये प्लस कर देंगे, फिर ये माइनस लगा के ये माइनस करेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। फिर प्लस 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 माइनस का माइनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 1500 प्लस हो गया, 1500 प्लस 1030, क्योंकि ये वाला भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये वाला माइनस का, और ये भी माइनस का है हमारा। तो माइनस वाले हम एक जगह क्या कर देंगे माइनस, और प्लस वाले एक जगह क्या कर देंगे प्लस, प्लस वाले एक जगह प्लस कर देंगे, माइनस वाले एक जगह माइनस कर देंगे। उसके बाद हम वी गॉट प्लस का प्लस लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, उसके बाद प्लस करके ये आंसर है, माइनस करके ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा। इट्स करेक्ट इफ़ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड सो प्लीज़ कमेंट मी एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्लस 125 माइनस 110 प्लस 95 माइनस 125। चले सबको साथ में लिख लेंगे, नहीं साथ में सबसे पहले सबको ही नहीं लिखेंगे, एक इक्वेशन बनानी होगी हमें सबके लिए। नेक्स्ट तो हम एक क्वेश्चन बना लेंगे, ये भी प्लस का, ये वाला भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये दोनों प्लस के हैं, ये वाला माइनस का है और ये भी माइनस का है। माइनस माइनस वालों को एक जगह माइनस करते हुए लिख लेंगे, और पहले प्लस वाले दोनों लिख लेंगे, उसके बाद हम दोनों माइनस वाले लिखेंगे, और जिसके आगे प्लस है उस पर हमें ये प्लस ज़रूर लगाना है, और अगर हम ये प्लस नहीं लगाएंगे तो हमारा सॉन्ग अदरवाइज हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है। इन दोनों को प्लस करके 95 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 220, 125 प्लस 95 इज इक्वल्स टू 220। नेक्स्ट है आपकी डिजिट -23 -237 प्लस 932 प्लस 135 -448 -99 -106। इसमें लगेगी रीअरेंजिंग। 237 सबसे पहले माइनस के एक जगह कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को हम कर देंगे माइनस, फिर इन दोनों को भी माइनस, फिर प्लस वाले एक जगह, फिर इन सबको हम माइनस कर देंगे, तो 890 हमारा आएगा। उसके बाद हमारा इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये, इसके बाद इन दोनों को माइनस प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, तो इसके लिए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज सो लेट्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। Bye friends.